अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तोबा तोबा, आज तो इतनी गर्मी है कि बस 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है आज। और इतनी गरम गरम भपके और लू चल रही है ना। अभी तो फ़िलहाल के टाइम हो रहा है 4 बज रहे, तो 3 बजे तो 48 तक पहुंच गई थी। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अभी काम हो रहा है दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि बाहर से बड़ी लू भपके आ रहे हैं ना। दरवाज़ा बंद करा हुआ गर्मी की वजह से ना। तो अभी हैदराबाद में कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। तकरीबन शाम तक भी 45 पे या पता नहीं 44 पे आया था, तकरीबन 5-6 बजे के दौरान। और दोपहर में तो काफ़ी 3 बजे के दौरान तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। बस अल्लाह का शुक्र है कि रात के टाइम पर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी बर्फीली हवा चल रही होती है। बाकी दिन में बड़ी लू भपके, बड़ी ख़तरनाक हवा चल रही थी आज। तो फिलहाल बस ये कि शाम को तकरीबन 7-8 बजे फिर मौसम ठंडा होने लग जाता है। और अभी एसी भी ख़राब पड़ा हुआ है, तो अभी वो एसी वाला आया हुआ है ठीक करने, वरना बराबर मैं ऑफिस में जाके बैठता हूँ अभी। वैसे वहाँ पे मैं बहुत कम बैठता हूँ, इधर ज़्यादा बैठता हूँ। और यहाँ पर ये कौन आया है आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यही बोलना था क्या? हाँ चश्मा तो डालो, बोलो कुछ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा। और बर्फ़ भी नहीं मिल रही, बर्फ़ भी नहीं मिल रही, पानी भी ठंडा नहीं। और हमारा डिस्पेंसर भी बंद हो गया वहाँ पर, बिजली एसी भी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। डिस्पेंसर भी नहीं, डिस्पेंसर भी तो बंद हो गया, ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। हाँ बस काम कर रहे हैं तो हम लोग ही काम कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। और अभी कुछ मैं बोल रहा हूँ कि खाने को क्या हुआ है? इस टाइम होना चाहिए दही, हल्का खाना बिल्कुल लाइट। मैंने बोला था दाल मंगवा लो, तो बोले दाल नहीं, बासी मिलेगी। इस टाइम पे 4 बज रहे ना, तो मैंने छोलों की बिरयानी मंगवा ली। 4:30 हो रहे हैं बल्कि, देखते क्या मंगवा। तो मेरे बालों का सत्यानाश हुआ भाई, ये तूफान आ गया है बहुत खतरनाक, जो उजाड़ के चला गया है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे बालों पर तूफान आ गया, पूरे भी जा चुका है ना। हाँ बाकी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुड्ढा मिल गया। हाँ हाँ, बुड्ढा मिल गया। कौन है बुड्ढा? आज गर्मी वाकई बहुत हो रही है। और कुछ गर्मी के बारे में आपका क्या कहना है? कितना मौसम गर्म तरीन है, ये जो बैठा है वो तहसीन है। इस गर्मी में भी ये जो आए हैं और चैनल लाइव चला रहे हैं। लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, फिर क्या है ये वीडियो है, वीडियो है। आज की गर्मी ऐसी हो रही है कि आदमी अगर बाहर बैठे और अपने सर के ऊपर अंडा भी रखे तो उसमें से चूजा निकल जाएगा, वो तलेगा नहीं, क्योंकि गर्माई जितनी हो जाएगी वो पक जाएगा। ये हाल हो रहा है हैदराबाद में। 47 था अभी, अभी लगभग 47, क्या हाल होगा यार। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और आपके उधर की गर्मी कितनी है आप भी बताइएगा। वैसे चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना। अरे वो गा रहे थे ना वो वाला, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिर। तो अभी शाम हो गई है, धूप खत्म हो गई, तो अब हम जा रहे हैं शहर सदर जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ देख लेंगे। ये लो तुम चलाओ। आज मैं दोपहर में गया था ना बैंक, इतनी 1.5 घंटा मुझे वहाँ पे लग गया था, बहुत गर्मी थी जब, मगर बैंक में सुकून था, ठंडा बर्फीली बैंक हो रहा था। तो ये है अभी हम जा रहे हैं, और ये शाम हो गई है अभी, तकरीबन 6:45 ना। मार्केट कितने बजे बंद हो जाती है? 6 बजे बंद हो जाती है, तो जल्दी चलो भाई, फिर बंद हो जाए। 8 बजे तक यार टाइम, क्या हो गया? नहीं 8 बजे और उनकी बीवियों के सामने पेश करना है। तो ये है लतीफाबाद नंबर, यूनिट नंबर 11। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं जी। तो ना यहाँ पे बड़ा दिल चाहता आने का, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता आने का। और ये है 7 नंबर का पुल, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। अच्छा बड़ा डर लगता है यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है, तो ऐसा लगता है सरफेस से जा रही है। ये देख रहा, ये देख, ये मगर अच्छा भी लगता है ये। वो ढोल वाला बेटा, ये
यहाँ पे इतना रश होता है रात के टाइम पे, अभी भी रश है लेकिन रात के टाइम पे तो बहुत रश होता है। यहाँ पे जीटीसी ग्राउंड पे लाइन लगी पड़ी होती है, शहर में तो बहुत रश हो रहा है भाई। तो यहाँ से भी ओपीटीपी का बर्गर लिया था रास्ते से, और अभी अम्मी का फोन आया है, चिकन वगैरह सामान वगैरह मंगवा रही है, तो अभी 7 नंबर से लेते हुए जाएंगे। तो ये अभी मैं ये घर पे सामान देने आया हूँ, चिकन और पेटीज वगैरह दही वगैरह उन्होंने मंगवाए थे। खोलो ये लो सामान, अरे एक मिनट में अंदर ही रख दे। पेटीज का मुझे क्यों नहीं बोला फ़ोन करके, मुझे क्यों नहीं बोला फ़ोन करके, पापा ने बोला मुझे कि वो पेटीज भी ले जाना। अच्छा। मैं तो वो ले चिकन और वो मंगवाया था ना अम्मी ने। लाइट गई भी है क्या अम्मी, लाइट गई भी, सोलर नहीं चल रहा क्या नीचे, बंद करी। पानी की बोतल ले लेंगे क्यों, पानी की बोतल क्यों, पानी की बोतल लेके आ, गर्मी बहुत है। अरे बहुत गर्मी थी आज तो भाई बहुत। अभी अब मिला है सारा टाइम खाने के लिए, और ये मैंने हाथ पे करा अपने एसी बैठे बैठे। कितना शोर मचाते हो यार तुम लोग, क्या हो गया। और ये बर्गर भी ठंडे हो गए होंगे, ये देखिए हाईलाइटर है, ये करा था एसी बैठे बैठे। अच्छा तो ये बर्गर अभी दिखा देता हूँ मैं कौन सा, जीएमसी बर्गर है ये। ये है देखे ऐसा, इसके अंदर ये है, बहुत मजे का होता है बर्गर। क्या चाहिए, अच्छा कैसा है ये, तो चाय गिलास में निकालिए क्या, पी की चाहिए ये, ये मंगवाया अभी फोन करके इन्होंने, अभी किस लिए मंगवाया होगा आप बताइएगा कि ये क्यों मंगवाया घर पे, समझ गए होंगे क्या है ये। वो यहाँ फैक्ट्री के सामने किसी का झेल लग रहा है, झेल लग रहा है ना, ये उठ रहा है, हाँ वो लेके जा रहे हैं। चले फिर, शुक्र है रात में, रात में अच्छा हो जाता है मौसम हैदराबाद का, मौसम सुहाना हो रहा है। हाँ आजकल की जो लड़कियाँ होती है ना, हाँ तो ये सोचती हैं ना ऐसी गर्मी में तो पकाने की, अभी घर जाएंगे ना इसको बोलते हैं ये पका के दे दो, सवाल ही पैदा नहीं होता तो पका के दे, खाना नहीं बन रहा है नहीं भाई, वो तो किसी बाजार से लिया हो फूड पांडा रेम फर्मा या ऑटो में रेम फर्मा, चलो पढ़ाई चल रहा है। मैं अभी घर आ गया, अम्मी क्या कर रही रोस्ट बना रहे, अच्छा तो अभी जो टाइम लगेगा है ना, अरे अभी बन जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा ये लाल का क्यों रहा, ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर, अरे वो हाइलाइटर ऐसी हाथ में फेर रहा था क्या लग रहा था ये हाँ। तो अभी मैं नहाकर आया हूँ, अम्मी बोल रही है क्या वीडियो शूट करनी है, अम्मी की फेस रिवील, हसन हुसैन का फेस रिवील की वीडियो बनानी है, तो अभी मैं कैमरा चार्ज कर लेता हूँ फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। तो अभी गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मैं मेट्रो चलिया कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी ठंडक होती ना। हुसैन का फेस रिवील होगा आज, हसन गुस्सा जब करते हो तो कैसे देखते हो, हाँ ऐसे देखता है कैसे, ये हसन को गुस्सा आ गया, खुश कैसे होते, खुश और हंसते कैसे, हंसते कैसे, ये बनाया रोस्ट, वाह मजे का, देना अम्मी रोटी, रोटी देना अम्मी, तो अभी खाना खा लिया और उसके बाद यहाँ पे ये खेत जो हम लेकर आए थे बागार से, आपने देखा होगा, तो ये बहुत मीठे शेर और इतने मज़े के आम है, और मैं ऐसे ही खाता हूँ क्यूब बना के और काटे थे, बहुत ज़बरदस्त आम ही है, बहुत मीठे शेर, यहाँ पे अभी ऐसे आम आए नहीं है, तो हम वहाँ से लाए थे गांव से, तो ये बड़े मज़ेदार आम है, सिंदड़ी आम ही है अभी, सिंदड़ी अभी लंगड़ा अभी पका नहीं है, शायद पक गया, शायद वो भी पक गया होगा, लेकिन ये सिंदड़ी आम है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे इंस्टाग्राम पे कि आप ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो मैं आपको आज दिखा देता हूँ, तो ये है किंग ऑफ फाइटर PS4 में, PS4 का है, तो बहुत कम लोग शायद इस गेम को जानते होंगे, तो देख लें आप, ये है वो गेम, तो अभी जहांगीर और मैं डबल में खेल रहे हैं इसको, तो ये अभी डबल में कनेक्ट कर रहा है जहांगीर और मैं।
तो ये देखिए इसके अंदर टीम होती है, तीन लोग लेने पड़ते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ क्यू, तो मैं टीम लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने तो अपनी टीम ले ली क्योंकि जहांगीर सोच रहा है इतनी देर लगा रहा है, तो मेरी फेवरेट टीम यही है फिलहाल, बाकी मैं सबसे खेलता हूँ। तो ये मैंने टीम ले ली है। तो ये गेम है, अब जिसको पता नहीं था उसको पता लग गया होगा। ओके तो ये रिमोट ही नया मंगवाया था ना, ये वाला रिमोट, इससे ये खेल रहा है और मैं पुराने रिमोट से क्या कहते हैं इसको, कंट्रोलर कंट्रोलर। तो उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं आया हूँ वीडियो शूट करके अम्मी की, वो सेन का फेस रिवील वाली वीडियो, तो अभी वो वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, तो अभी तो फिलहाल मैं इसको एडिटिंग नहीं कर रहा, तो बाद में करूँगा इंशाल्लाह जल्द, जैसे मुझे टाइम मिलता है एडिटिंग करने का। तो उसकी एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, कैमरे से शूट करी ना इस वजह से, तो इंशाल्लाह जल्द वो आपको मिलेगी अम्मी के चैनल पर। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।